हरियाणा में चुनाव के नामांकन का दूसरा दिन आज बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर दूसरे दिन भी कई प्रत्याशी आज नॉमिनेशन करेंगे, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। तो हरियाणा में चुनाव के नामांकन का दूसरा दिन है। नामांकन के पहले दिन 7 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। तो पहले दिन 7 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। सोनीपत से 3, गुरुग्राम से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज सिरसा से 1, भिवानी महेंद्रगढ़ से 1 प्रत्याशी का नामांकन आज किया जाएगा। तो 6 मई तक नामांकन कर सकते हैं प्रत्याशी, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होनी है, जिसको लेकर कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन है नामांकन का। बीजेपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। और कांग्रेस की बात की जाए तो अभी तक गुरुग्राम की सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है। कांग्रेस ने 8 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल भी 7 प्रत्याशियों के नामांकन भरे गए हैं, ऐसे में आज भी नामांकन भरे जाएंगे प्रत्याशियों के। हरियाणा में चुनाव के नामांकन का आज दूसरा दिन, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हरियाणा में चुनाव के नामांकन का आज दूसरा दिन है। कल की अगर बात की जाए, कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। लोकसभा चुनाव होने हैं 25 मई को हरियाणा में। और साथ ही बता दें, आज नामांकन का दूसरा दिन है। कल की बात करें तो नामांकन के पहले दिन 7 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। और आज भी देखने वाली बात होगी कि कितने प्रत्याशी आज पर्चा भरते हैं। सोनीपत से 3, गुरुग्राम से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। और साथ ही आपको बता दें, सिरसा से 1, भिवानी महेंद्रगढ़ से 1 प्रत्याशी का नामांकन किया गया। 6 मई तक नामांकन कर सकते हैं प्रत्याशी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको इस वक्त की। हरियाणा में चुनाव के नामांकन का आज दूसरा दिन है, आज भी प्रत्याशी पर्चा भरेंगे। अमित तिवारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, कल से प्रत्याशियों का नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आज दूसरा दिन है। और बताया जा रहा है कि कल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं, आज कितने प्रत्याशी नामांकन भर सकते हैं? जी, नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। और जी, पहला दिन था, हालांकि ज्यादा तो नहीं आए, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक ही उम्मीदवार जो राजेंद्र जी बैंक गुरुग्राम से, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। और देखिए, बाकी 6 और नामांकन आए हैं अलग अलग क्षेत्रों में। अगर बात करें तो सोनीपत से 3 आए हैं, गुरुग्राम से 2, भिवानी महेंद्रगढ़ से 1 और सिरसा से प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किए। बाकी सभी निर्दलीय है, केवल राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। 6 मई तक यह नामांकन प्रक्रिया चलेगी, आज दूसरा दिन है। देखने वाली बात है की कौन से 5 चेहरे ऐसे होंगे जो अपना नामांकन पत्र आज दाखिल करेंगे। साथ साथ देखिए, सबसे अहम बात है कि गुरुग्राम सीट से जो बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राजेंद्र जी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से कोई चेहरा सामने नहीं आया है। नामांकन का दूसरा दिन है और अब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होना जन्म देता है। तो खासतौर पर कांग्रेस के लिए भी उनकी अंतर्कलह को जो है वो सामना है। अमित, कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहाँ पर कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गुरुग्राम की बात करें तो अभी तक कोई प्रत्याशी, जैसे कि आपने भी बोला, प्रत्याशी सामने नहीं आया है। ऐसे में चुनाव प्रचार करना भी बड़ा बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 25 मई को वोटिंग होनी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान वाली बात तो जरूर होगी, क्योंकि जब तक मतदाताओं को चेहरा ही नहीं पता होगा कि कौन कांग्रेस से प्रत्याशी घोषित किया जाएगा, तब तक वो कैसे ये समझ पाएंगे कि उनको वोट किसको देना है। निश्चित रूप से देखिए, 8 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने किया, लंबी कशमकश के बाद जो है वो चुनाव में उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन गुरुग्राम के मामले में तो बिल्कुल ही जो है खंडन काम लग रहा है कांग्रेस का, क्योंकि यहाँ से उम्मीदवारों का ऐलान, उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया जा रहा है किसी भी चेहरे का। जबकि देखिए, कांग्रेस के खुद नेता ही कई बार इस बात का निवेदन आग्रह कर चुके हैं केंद्रीय नेतृत्व से कि जल्द से जल्द उम्मीदवार उतारा जाए ताकि चुनाव मैदान में उतरा जाए। देखिए, आज नामांकन का दूसरा दिन है, इस तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, जिनमें 4 और 5 मई को नामांकन दाखिल नहीं हो सकेंगे अवकाश के चलते। तो ऐसे में दिन भी काफी कम है और उसके लिए चुनौतियां जो उम्मीदवार उतरेगा उसके लिए खासतौर पर चुनौतियां रहेगी। और जिस प्रकार का माहौल लग रहा है, देखिए पहले सूरत में
कांग्रेस के साथ जो उनके सरकार का एक वाक्य सामने आया और वहां निर्विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का चयन हुआ। इसी तरह सूरत में एक प्रत्याशी ने वो और बाकी इंदौर में कल एक मामला सामने आया जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा का दामन थाम लिया। तो इस प्रकार के झटके भी देश में दिखे कांग्रेस को लग रही है और इसी बीच अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर पाना एक बड़ी कठिन चुनौती से गुजर रही है कांग्रेस। न केवल उसके लिए अंतर्प्रदेश चुनौती है बल्कि भीतर घाट भी चुनौती है और साथ साथ उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाना एक बड़ी परीक्षा देखी जा रही है कांग्रेस के लिए, खासतौर पर गुंडराम के मामले में। जी बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए। तो 25 मई को हरियाणा में वोटिंग होनी है जिसको लेकर प्रत्याशियों के नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है कल से और आज दूसरा दिन है। कौन कौन मैदान में है आपको बता देते हैं। अंबाला से बीजेपी से बंतु कटारिया, कांग्रेस से वरुण चौधरी, नरो से गुरप्रीत सिंह, जेजेपी से किरण चौधरी, बीजेपी से मनोहर लाल, कांग्रेस से देवांशी बुद्धिराजा, नरो से अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया है, करनाल से जेजेपी से देवेंद्र। कुरुक्षेत्र बात करें तो बीजेपी से नवीन जिंदल, आपसे सुशील गुप्ता, इनेलो से अभय चौटाला, जेजेपी से पाला राम सैनी को उतारा गया है। रोहतक से बात करें बीजेपी से अरविंद शर्मा, कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा, इनेलो से अभी तक कोई नहीं, रविंद्र सांगवान को भी उतारा गया है। बीजेपी से मोहन लाल बडौली सोनीपत में, कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी, इनेलो से, और साथ ही अंबाला की बात करें तो बीजेपी से बंतु कटारिया, कांग्रेस से वरुण चौधरी, इनेलो से गुरप्रीत सिंह, किरण पुनिया को जेजेपी से उतारा गया है।